की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आईफोन के ऊपर अपनी रिंग टोन, बेशक वो सॉन्ग हो या म्यूजिक, उसको किस तरह सेट कर सकते हैं। तो इस तरह के रिंग टोन सेट करने के लिए सिर्फ आपको दो ऐप की ज़रूरत है, एक तो ग्रोज बैंड और एक डॉक्यूमेंट्स। इस आपको आपने खोलना और इसमें आपने अपने म्यूज़िक को डाउनलोड कर लेना है। अगर तो आपने म्यूज़िक डाउनलोड नहीं किया या आपको म्यूज़िक डाउनलोड नहीं करना आता, तो मेरी एक वीडियो बनी हुई है जिसपे इसको इसके ऊपर म्यूज़िक किस तरह और किस सोर्स से डाउनलोड करना है, आप मेरी वो वीडियो जाके देखें, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। और अगर आपको इस चीज़ का पता है कि इस पर किस तरह म्यूज़िक डाउनलोड करना है, तो इसके अगला तरीका मैं इस वीडियो में आपको समझाता हूँ। इस वक्त मैंने ये डाउनलोड किया हुआ आईफोन एक्स की रिंग टोन, लेकिन ये मैंने से पहले की भी, इसलिए मैं आपको कुछ डिफरेंट वाली रिंग टोन सेव करके दिखाता हूँ। इस पर ये रिंग टोन मैं सेव करूँगा। आपने इसका क्या करना है, इसका जो नंबर है ना, कोड नंबर, इसको आपने याद रखना है V7MW। आपने ग्रोज बैंड में जाना है, उधर आपने क्रिएट करना है, ऑडियो रिकॉर्डर में जाना है। ऑडियो रिकॉर्डर में जैसे ही खुलेंगे तो आपको ये निशान नज़र आ रहे होंगे, आपने इसको क्लिक कर देना है और इस ब्लू को वाइट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपको लूप टाइप नज़र आ रही होगी, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ से जाके आपने फाइल्स में जाना है, ये यहाँ पे आपने ब्राउज करना है, ये ब्राउज, और आपने ये देखिए ब्राउज़ के अंदर आपको लोकेशन की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स शोर होगा, आपने इसको जाके खोलना है। अगर नहीं शोर होगा तो इसको ऑन भी करते हैं। यहाँ पे आपने डाउनलोड, जितने भी आपने सॉन्ग्स वगैरह डाउनलोड किए हुए हैं, आपने उसके अंदर खोलना है, और आपने इसका कोड याद किया था V7MW, इसको जाके सेलेक्ट कर लेना है। ये यह आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ये देखें ये आपकी आ गई। अब आपने इसको क्या करना है, क्लिक नहीं करना है, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है, ये आपकी इंपोर्ट हो जाएगी वॉइस रिकॉर्डर के अंदर। इसको प्ले भी करेंगे तो आपको यहाँ पे प्ले होगी। इसके बाद आपने अगला स्टेप जो करना है वो ये करना है, आपने बैक जाना है और माय सॉन्ग्स में जाना है। ये आपका सॉन्ग सेव हो जाएगा एक न्यू टाइटल के नाम से। इसको आपने जाके 3D टच करना है या हैप्टिक टच करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगी। इसके आपने नीचे जाना है तो यहाँ पे शेयर नज़र आ रहा होगा, शेयर में आपको ये तीन ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे रिंगटोन के अंदर जाना है, जैसे ही रिंगटोन में जाएंगे यहाँ पे आपको बताएगा कि आपने इसके नाम को एडिट करना है या नहीं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ AAA के नाम से, और इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूँगा। ये रिंगटोन जो है ये एक्सपोर्ट हो रही है मेरी आईफोन की रिंगटोन की गैलरी में जाके। अब वो कह रहा है कि एक्सपोर्ट हो चुकी हुई है, ओके करना है तो ओके कर दें। अगर आपने उसको सेट करना था डिफ़ॉल्ट तो आप उसको डिफ़ॉल्ट सेट कर लेते। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जाके कहाँ सेव हुई है, ये देखिए आपने साउंड एंड हैप्टिक में जाना, रिंगटोन्स में जाना, और ये आपकी AAA सेट हो गई है। यहाँ पे जाके आपने इसको डिफ़ॉल्ट कर लेना है, और जब भी आपकी कोई भी कॉल आएगी तो आप उसको जाके सेट कर सकते हैं। तो जी ये वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि आप आईफोन की रिंगटोन को किस तरह सेट कर सकते हैं। अगर तो ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, मज़ीद शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।